वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आज एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू होगा। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होगा चुनाव, 12 को नामांकन पत्रों की जांच, 14 तक नाम वापसी। वही 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए होगा मतदान। बता दें आपको 21 मार्च को शाम 5 बजे मतगणना करेगी। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आज एमएलसी की घोषणा होगी, विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होगा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू, 4 से 11 मार्च तक भरे जाएंगे नामांकन। वही रिक्त होने 4 से 11 मार्च तक भरे जाएंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 को नामांकन पत्रों का जांच, वही 14 तक नाम वापसी। बड़ी खबर आपको बता दें, 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए होगा मतदान। बड़ी खबर आपकी नजरों में ला दे कि 21 मार्च को शाम 5 बजे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से एमएलसी की 13 सीटों पर, विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होगा चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की तय की थी तारीख, रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू, 4 से 11 मार्च तक भरे जाएंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 को नामांकन पत्रों की जांच, भाई 14 तक नाम वापसी। 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए होगा मतदान। बड़ी खबर आपको बता दें, 21 मार्च को शाम 5 बजे मतगणना की होगी घोषणा। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आज से एमएलसी की 13 सीटों के लिए होगा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की तय की थी तारीख, रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 से 11 मार्च तक भरे जाएंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 को नामांकन पत्रों की जांच, वही 14 तक नाम वापसी। 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए होगा मतदान। बड़ी खबर आपको बता दें, 21 मार्च को शाम 5 बजे मतगणना कर होगी घोषणा। बड़ी खबर आ रही है, आज से एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू, वही विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होगा चुनाव,